शहर की प्याज मंडी में राज्य सरकार की ओर से सीसी रोड सड़क सहित प्लेटफॉर्म बनाने को लेकर 1.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसको लेकर व्यापारियों ने श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली का बुधवार को फल सब्जी मंडी में भव्य स्वागत किया। स्वागत करें हमारी यूनियन के अध्यक्ष साहब, वो भी कृपया आए। हमारी समस्त व्यापार मंडी की तरफ से और कार्यकारिणी की तरफ से ढोल नगाड़ों के बीच श्रम राज्य मंत्री को कार्यक्रम स्थल तक ले जाया गया, जहां सभी किसानों की मौजूदगी में मंडी व्यापारी पप्पू प्रधान व अध्यक्ष देवेंद्र छाबड़ा द्वारा उनका साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने आश्वासन दिया कि किसानों व मंडी व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए वे आगे भी इसी तरह की योजनाओं का लाभ इनको दिलाते रहेंगे। और राशि भी स्वीकृत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्याज मंडी की बहुत समय से ये डिमांड थी कि यहाँ पे जो प्लेटफार्म है वो पक्का किया जाए, उसके लिए 1.5 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से मंजूर हुए हैं। पिछली बार मैं स्वयं व्यापारियों के बीच में आकर मैंने पूछा था कि मंडी से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं आप मुझे बताइए। दो बड़े रूप में दो समस्याएं आई थी, एक टॉयलेट्स की और एक ये, और दोनों ही काम हमने सेंक्शन कर दिए हैं, मंजूर कर दिए हैं। टॉयलेट्स का काम, टॉयलेट्स तो रनिंग में भी शुरू हो गए हैं, आने वाले टाइम में भी और भी जो मंडी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको हम पूरी करेंगे। क्योंकि किसान और व्यापारी जहाँ रोज़ाना इतना आवागमन रहता है, इतना काम होता है, और प्याज में तो हमारी अलवर की जो मंडी है वो देश की नामी मंडियों में एक है, इसलिए यहाँ पे इस चीज़ की जरूरत थी, वो स्वीकृति आगे यहाँ पर जा रही है।